कहानी की शुरुआत होती है और हम जापान के नागोया शहर में हिरोमी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि ट्रेन में बैठ के ऑफिस से अपने घर जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि खेलते हुए तेके तेके के बारे में बात कर रही थी, और वो बच्चियां बात कर रही थी कि तेके तेके वापस आ गई है और वो लोगों को आधा बीच में से काट के जान से मार देती है। तभी खेलते खेलते उनका बैग हिरोमी को लग जाता है और हिरोमी उन्हें बैग वापस करते हुए कहती है कि तुम लोग तेके तेके के बारे में बात मत करो। जिसके कुछ देर आगे जाने के बाद वो एक रेलवे स्टेशन पे उतरती है और वहाँ के फ्लाई ब्रिज से उसको पार करने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पे तेज हवा चलने लगती है और उसके पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे महसूस करने के बाद हिरोमी काफी ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। तभी वो एक जगह पे दीवार के पीछे छुप के सामने वाले घर के अंदर बच्चों को तेके तेके के बारे में बहस करते हुए सुनती है, जिसके थोड़ी देर बाद हवा शांत हो जाती है, जिस वजह से हिरोमी वहाँ से अपने घर जाने लगती है। लेकिन उसके वहाँ से निकलते के साथ ही हवा एक बार फिर से तेज हो जाती है और कोई चीज अचानक से आके उसको बीच में से काट देती है, और ये चीज कुछ और नहीं बल्कि तेके तेके थी, जिसने हिरोमी को जान से मार दिया। उसके बाद अगले सीन में हम एक गर्ल स्कूल देखते हैं, जहाँ पे काना और आयाका नाम की बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बात कर रही थी, जहाँ हमें आयाका के बारे में पता चलता है कि आयाका स्कूल के एक लड़के से प्यार करती है, जिस वजह से वो अपनी फ्रेंड काना को कहती है कि अगर तुम उत्सुकी को मेरे साथ डेट पे चलने के लिए जाके पूछ सकती हो तो मैं तुम्हें इसके लिए पार्टी दूंगी। जिसके बाद काना उत्सुकी के पास चली जाती है और वो आयाका के साथ उसे डेट पे जाने के लिए कहती है, जिसे सुनने के बाद उत्सुकी उसके साथ डेट पे जाने के लिए हाँ कर देता है। तब काना आयाका को जाके बता देती है कि उत्सुकी तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हो गया है, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम काना को उसके घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे काना अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। लेकिन आज के दिन काना के घर पे उसकी कजन उससे मिलने के लिए आई थी। उसका नाम रेनी होता है और रेनी काना को अपने नए बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद काना उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है क्योंकि वो अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। अगले सीन में स्कूल के अंदर हम एक बार फिर से आयाका और काना को देखते हैं, जहाँ पे आयाका काना को अपने डेट के बारे में बताती है और वो उससे ये भी कहती है कि डेट पे उत्सुकी बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था, और वो उसे ये भी कहती है कि आज उत्सुकी ने मुझे अपने साथ घर चलने के लिए कहा है। लेकिन वो अकेले उत्सुकी के साथ घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो किसी तरीके से काना को भी अपने साथ जाने के लिए कन्वेंस कर लेती है। जिसके बाद शाम को ये लोग जब घर जाने लगते हैं तो उससे पहले ये सभी लोग एक साथ कैफे में जाते हैं, जहाँ पे उत्सुकी इन दोनों को अपने फोन के अंदर हिरोमी की डेथ वाली न्यूज वाली वीडियो दिखाता है, और यहाँ पे उत्सुकी उसे ये भी बताता है कि उसे टेकी टेकी नाम की चुड़ैल ने मारा है। काना को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था, जिस वजह से उत्सुकी उसे बताता है कि टेकी टेकी एक बहुत खतरनाक चुड़ैल है जो लोगों को बीच में से काट के जान से मार देती है, और वो इन दोनों को ये भी बताता है कि टेके टेके आधी कटी हुई है और अगर कभी भी तुम अकेले कोई फ्लाईओवर को पार करती हो तो तुम्हें पीछे से किसी ना किसी की आवाज सुनाई देगी, और अगर तुम उस समय पीछे मुड़ के देखोगी तो टेके टेके तुम्हें बीच में से काट के जान से मार देगी। जिसपे आयाका भी जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम किसी तरीके से उससे बच भी जाते हो तो 3 दिन के अंदर वो किसी न किसी तरीके से तुम्हें जान से मार देगी। तब यहाँ पे आयाका 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाने लगती है और यहाँ पे काना और उत्सुकी आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ काना उससे पूछती है कि तुम्हें आयाका कैसी लगी, जिसपे उत्सुकी उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं उसे पसंद तो नहीं करता, बस मैं तुम्हारे कहने की वजह से उसके साथ डेट पे आया था, और ये सारी बातें आयाका भी सुन लेती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। उसके बाद ये सभी लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उत्सुकी अपनी साइकिल पे बैठ के वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रास्ते में आयाका काना से पूछती है कि तुम उत्सुकी के बारे में क्या सोचती हो, जिसपे काना उसे जवाब देते हुए कहती है कि मेरे दिल में उसके लिए किसी भी तरीके की कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं बस यहाँ पे तुम्हारे कहने पे आई हूँ। जिसे सुनने के बाद आयाका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में काना से कहती है कि तुम हमेशा मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो और मुझे नीचा दिखाने का तुम कोई कसर नहीं छोड़ती, और वो काना से ये कह के वहाँ से जाने लगती है कि मैं ब्रिज वाले रास्ते से घर जा रही हूँ। जिसके बाद आयाका अकेले वहाँ से निकल के फ्लाई ब्रिज पे चढ़ जाती है और उसे रियलाइज होने लगता है कि उसे काना से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तभी अचानक से वहाँ पे तेज हवा चलने लगती है और उसे पीछे से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के
देखती है तो उसे आधा कटा हुआ कोई अजीब सा चीज नजर आती है, और ये और कोई चीज नहीं बल्कि टेके टेके थी, जिसे देखने के बाद आयाका काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पे ही वो गिर जाती है। तभी वहाँ पे टेके टेके भागते हुए आती है और वो आयाका के दो टुकड़े करके उसे जान से मार देती है। अगली सुबह एक बार फिर से हम काना को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड की डेथ के वजह से बहुत ही ज्यादा सदमे में थी। तभी उसके पास उसकी टीचर आती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे पुलिस के पास लेके जाती है, क्योंकि आयाका मरने से पहले काना के साथ थी। जिसके बाद काना पुलिस को ये बताती है कि कल हम मिले तो जरूर थे, उसके बाद वो अपने घर चली गई और वो अपने लड़ाई के बारे में पुलिस ऑफिसर को कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद उसे आयाकी की बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से उसने कल उसके साथ लड़ाई की थी और उसके बाद वो ब्रिज की तरफ से चली गई। जिसके बाद काना सीधा घर आ जाती है और वो न्यूज चैनल पे हिरोमी की डेथ की वीडियो देखने लगती है, जहां उसे न्यूज में पता चलता है कि हिरोमी की बॉयफ्रेंड को हिरोमी के मर्डर के केस में उसे पकड़ा गया है, जहां पे उसके बॉयफ्रेंड का स्टेटमेंट ये है कि इस केस में मेरा कोई हाथ नहीं है। तभी अचानक से काना का गेट खुल जाता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन वहां पे और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी, और काना की मॉम उसके पास आके आराम से बैठ जाती है। उसके बाद अगली सुबह हम काना को एक बस स्टॉप पे बैठे हुए देखते हैं, जहां से कुछ बच्चे गुजर रहे थे और वो सारे बच्चे भी आपस में टेके टेके के बारे में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद काना वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पे पीछे से उत्सुमी आ जाता है, जिसे काना बताती है कि मैंने पुलिस को मेरे और आयाका के लड़ाई के बारे में नहीं बताया था। जिसके बाद उत्सुमी काना का मूड ठीक करने के लिए उसे पहाड़ की ऊंची वाली जगह पे ले जाता है, और वो काना को ये भी बताता है कि आयाका ने मुझे डेट के दौरान बताया था कि तुम दोनों बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो, और अगर तुम दोनों के बीच में किसी भी कारण से लड़ाई होती थी तो अगले दिन तुम दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते थे। जिसे सुनने के बाद काना रोने लगती है, जिसके बाद उत्सुमी काना को वहाँ पे छोड़ देता है जहाँ से उसे अपने घर जाना था। लेकिन जाने से पहले काना उत्सुमी से हिरोमी के डेथ के बारे में पूछती है, और वो उससे ये भी कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड को हिरोमी की कटी हुई लाश मिली थी। जिसपे उत्सुमी उसे जवाब देते हुए कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड जरूर कोई बहाना बना रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से टेके रियल लाइफ में नहीं है। जिसके बाद काना वहाँ से सीधा चली जाती है। अगले सीन में हम काना को उसी फ्लाई ब्रिज के पास देखते हैं, जो कि अंधेरा होते के साथ ही उस जगह पे जाने लगती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड की डेथ हुई थी, और वो हाथ में फ्लावर लेके जा रही थी ताकि वो अपने फ्रेंड पे वो फूल चढ़ा सके। वहीं दूसरी तरफ हम उत्सुमी को भी देख पाते हैं, जिसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो काना को देखने के लिए वापस आने लगता है। उसके बाद अचानक से काना को वहाँ पे किसी की आवाजें सुनाई देती है और तेज हवा चलने लगती है। लेकिन काना वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे वो बात याद आ गई थी जहाँ पे उसे उत्सुमी ने बताया था कि काना किसी का भी रूप धारण करके तुम्हें पीछे से आवाज लगा सकती है, लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जिसके बाद टेके टेके काना के पास आती है और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद काना आँख खोलती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते के साथ ही उसे पीछे से आयाके की आवाज सुनाई देती है, और अपनी फ्रेंड को देखने के चक्कर में वो गलती से पीछे देख लेती है, जहाँ पीछे उसे टेके टेके दिखाई देती है। तब काना वहाँ से जान बचा के भागने लगती है और टेके टेके उसके पीछे पड़ जाती है। तभी रास्ते में काना को उत्सुमी मिलता है और काना उसके साइकिल पे बैठ के उसे तेजी से भागने के लिए कहती है, क्योंकि टेके अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन वहाँ से कुछ दूर आगे जाने की वजह से अचानक से इनके साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये दोनों वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तब तक टेके टेके इनका पीछा छोड़ चुकी थी। उसके बाद अगली सीन में हम उत्सुमी को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट देखते हैं, क्योंकि साइकिल से गिरने की वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, जहाँ पे काना भी आई हुई थी, और वो उसका हालचाल देखने के बाद वहाँ से सीधा अपने स्कूल के लाइब्रेरी में चली जाती है, जहाँ पे वो हिस्ट्री की किताब निकाल के वहाँ पे टेके टेके के बारे में पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पे रिनी आ जाती है, जो उससे वो बुक लेते हुए कहती है कि मैं भी टेके टेके के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। तब वहाँ से बाहर जाते वक्त काना टेके टेके के बारे में रिनी से पूछती है, जिसपे रिनी भी उसे वही सारी बातें बताती है जो कि उसे उत्सुमी और आयाका के बातों से पता चला था। जिसपे काना उसे और भी ज्यादा डिटेल पूछने लगती है, तब रिनी उसे बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद द ककोकोवा सिटी की ये बहुत ही ज्यादा फेमस स्टोरी है। एक लेडीज ने ककोकोवा में जानबूझ के सुसाइड कर लिया था, और उसी समय से ये सब कुछ वहाँ से शुरू हुआ था,
और वो उसे ये भी बताती है कि वो ककोगवा के प्रोफेसर के पास जा रही है, जहाँ जाने के बाद वो इसके बारे में उनसे पूछताछ करेगी। जिस पे हिम्मत करके काना भी रिनी को बता देती है कि उसने हाल ही में टेके टेके को सच में देखा है और कल उसका तीसरा दिन हो जाएगा, जिस वजह से किसी न किसी तरीके से टेके टेके उसे जान से मार देगी। मतलब कल का दिन उसका आखिरी दिन होने वाला था। जिसे सुनने के बाद रिनी भी उसे अपने साथ ले जाने लगती है। उसके बाद अगली सुबह ये लोग ककोगवा के प्रोफेसर के पास पहुँच जाते हैं और उससे टेके टेके के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर बताता है कि आज से 60 साल पहले एक लड़की ने ककोगवा के फ्लाईओवर से कूद के सुसाइड किया था, जिस वजह से उसकी बॉडी बीच में से कट के दो टुकड़े में बट गई थी, और तभी से बिना बॉडी के भूत का ह्यूमर काफी ज्यादा तेजी से फैलने लगा। तभी हम काना को देखते हैं जो कि अपने डायरी में माइका चो लिखती है, और ये वो जगह होती है जहाँ पे उस लड़की का पहले घर हुआ करता था। जिसपे ये दोनों प्रोफेसर से ये पूछते हैं कि आखिर उसकी सुसाइड करने की वजह क्या होगी। जिसपे प्रोफेसर बताता है कि आखिर उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ होगा, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। तब यहाँ पे काना उस लड़की के घर का पता पूछती है जहाँ पे उसके कोई ना कोई फैमिली के मेंबर हो, जिस वजह से प्रोफेसर इनको अपने असिस्टेंट टेकेडा को इनके साथ भेजने का डिसाइड करता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले प्रोफेसर इन दोनों को एक और चीज बताता है कि टेके टेके को लाल रंग से बहुत ही ज्यादा नफरत है, और अगर तुम्हारे पास कोई भी तरीके की लाल चीज है तो तुम उसे फेंक दो तो तुम लोग टेके टेके से बच सकते हो। लेकिन ये बात बस सुनने में आई है, और इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद ये दोनों मिलके टेकेडा के साथ उस लड़की के घर पे चले जाते हैं, जहाँ पे उसके फैमिली के कोई मेंबर रहा करते थे, जहाँ पे हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि टेके टेके की अपनी बहन थी, और वो औरत बताती है कि हर साल कोई ना कोई कासिमा के बारे में पूछने के लिए यहाँ जरूर आता है। दरअसल वो लड़की जो मरी थी, जिसका नाम टेके टेके के नाम से जाना जाता है, उसका असली नाम कासिमा था, और वो इन दोनों को ये भी बताती कि उस समय पे मैं 6 साल की थी जब कासिमा ने 19 साल की उम्र में सुसाइड किया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जिसपे रिनी उनसे पूछती है कि क्या ये बात सही है कि कासिमा को रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसपे उसकी बहन जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, ये बात सही है, कासिमा को रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद वो लेडी कासिमा की डेथ के बारे में भी बताती है कि जब अमेरिकन आर्मी वार के बाद वहाँ से वापस लौट रहे थे तो उन सभी की नज़र कासिमा के खूबसूरती पे पड़ी, जिस वजह से उन लोगों ने पहले तो कासिमा के साथ रेप किया, जिस वजह से उसकी बॉडी से रेड ब्लड निकलने लगा, और अपने ब्लड के कलर रेड को देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा रेड से नफरत होने लगी, और इसी बात से परेशान होने की वजह से एक दिन उसने फ्लाईओवर से सुसाइड कर लिया। जिसके बाद वो लोग टेकेडा को ड्रॉप करके वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मतलब के सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। लेकिन वहाँ से जाने से पहले टेकेडा इन दोनों को बताता है कि जब मैं छोटा था उस टाइम पे मैंने टेके टेके के बारे में सुना था कि जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसके मरने वाली जगह पे उसका एक स्मारक बना दिया गया था, जहाँ पे उसकी सिस्टर हमेशा उसके स्मारक पे खाना और रोज चढ़ाने के लिए जाती थी। लेकिन जब उसकी एक सिस्टर की डेथ हुई तो वो मेमोरियल अपनी जगह से हट गया था, और यही मेन कारण है जिस वजह से टेके टेके की आत्मा भटक रही है। और वो इन दोनों को ये भी कहता है कि शायद उस स्मारक को अगर सही जगह पे रख दिया जाए तो शायद पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाए। जिसके बाद ये दोनों उस जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पे टेके टेके का घर था, मतलब जहाँ पे उसका स्मारक बनाया गया था। जिसके बाद काना अपने डायरी में वो नाम देखती है जिस जगह का नाम उसने अपने डायरी में लिखा था, और उस जगह का नाम डालने के बाद ये लोग मैप के द्वारा उस लोकेशन पे जाने लगते हैं, जहाँ पे रिनी भी काना को अपनी सच्चाई बताते हुए कह देती है कि जब वो रिसर्च करने के लिए फ्लाई ब्रिज के ऊपर गई थी तो उसने भी टेके टेके को देख लिया था, और आज उसका भी लास्ट दिन है, और उसके हिसाब से इन दोनों के पास बस 2 घंटे बचे हुए थे, और इस 2 घंटे में अगर ये कुछ भी नहीं कर पाए तो टेके टेके इनके पास आके इन्हें किसी तरीके से जान से मार देगी। उसके बाद ये लोग एक लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और समय के हिसाब से अब इनके पास बस 1 घंटा बचा हुआ था, जिस वजह से ये लोग टेकेडा को फोन करके टेके टेके के असली घर के लोकेशन के बारे में पूछने लगते हैं। तब टेकेडा चुपचाप से वहां से प्रोफेसर के ऑफिस में जाके मैप देखते हुए इन्हें टेके टेके के घर के लोकेशन के बारे में गाइड करने लगता है, जहां पे काना को ये भी पता चलता है कि उसने टेके टेके के घर के लोकेशन के बारे में गलत लिख लिया था, और असली लोकेशन उनकी जगह से 8 किलोमीटर दूर है, और अब इनके पास बस 1 घंटा बचा हुआ था, जिसके वजह से वो दोनों वहां से निकल जाती है, और टेकेडा फोन पे ही उन दोनों को लोकेशन गाइड करता रहता है। तभी वहां पे टेकेडा को एक सिक्योर
सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है क्योंकि वो बिना पूछे प्रोफेसर के ऑफिस में घुसा था। जिसके बाद रिनी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन टेकेडा किसी तरीके से उसे फोन पे गाइड करते हुए कहता है कि तुम्हें राइट मुड़ के वहां से आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद मेन लोकेशन पे पहुंचने के बाद इन्हें वो स्मारक मिल जाता है जिसपे कासिमा लिखा हुआ था। तभी ये दोनों किसी तरीके से उस स्मारक को सीधा करने लगते हैं और हम दूसरी तरफ टेके की आत्मा को भी देख पाते हैं जो कि तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। तभी ये दोनों उस स्मारक को सीधा कर देते हैं और टेके भी इन दोनों पे हमला नहीं करती। जिसके बाद ये दोनों आराम से गाड़ी में बैठ जाती है और अचानक से ये दोनों अपने पीछे टेके को देख पाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी चला के ये लोग भागने लगते हैं। तब पीछा करते हुए काना को याद आता है कि उनके पास बहुत सारी रेड चीज है, जिस वजह से वो एक एक करके सारी रेड चीज को वहाँ से बाहर फेंकने लगती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी गाड़ी का कलर ही रेड कलर का था। तभी ये लोग गाड़ी को एक जगह पे रोक देते हैं जिस वजह से टेके कार से टकरा जाती है और ये लोग गाड़ी से निकल के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और अपने पास से सारी रेड चीज को फेंकने लगते हैं। लेकिन टेके अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई थी, जिस वजह से जल्दबाजी में ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तभी काना के पास अचानक से सामने से टेके आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी काना का वहाँ पे फोन रिंग करने लगता है और जैसे ही वो अपने फोन को बाहर निकालती है तो वो देखती है कि उसके फोन का की चेन रेड कलर का है, जिस वजह से वो अपने फोन को फेंक देती है और टेके भी वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ढूंढते हुए मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को जिंदा देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तब रिनी वहाँ से काना के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में कांटे वाले पेड़ की होने की वजह से उसके सर में कांटा लग जाता है, जिस वजह से उसके सर से खून आने लगता है और ब्लड का कलर रेड होने की वजह से अचानक से वहाँ पे टेके आती है जो कि रिनी को बीच में से काट के उसे जान से मार देती है। उसके बाद अगले सीन में हम कुछ छोटे बच्चों को देखते हैं जो कि काना के घर के पास से गुजरते हुए कहते हैं कि यहाँ पे एक पागल लड़की रहती है जो कि अपने घर में मौजूद हर रेड कलर की चीज को अपनी खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी हम वहाँ पे टेके की स्प्रिट को देखते हैं जो कि उसी के घर के पास से गुजर जाती है, जिसका मतलब साफ साफ ये था कि वो अभी भी काना को मारने के चक्कर में लगी हुई है। अगले सीन में हम एक साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे टेकेडा काना से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे काना की मोम टेकेडा को बताती है कि काना अपने कजन की डेथ के बाद अपने सदमे से बाहर नहीं आई है, जिस वजह से वो हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहती है। उसके बाद टेकेडा काना के पास जाने लगता है और वो प्रोफेसर बनने की खुशी में काना के लिए स्वीट्स लेके आया था, लेकिन काना उसके मिठाई की लाल कलर के डब्बे को देख के बहुत तेज चिल्लाने लगती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ले आऊंगा।